इसी के साथ अमित जी बात करें अगर कैसे सीट की, तो कैसे सीट देख रहे हैं आप, 6,900 पर निकला है फिर से। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से कैसर में फिर से रेंज देखने को मिलेगी, यहाँ से फिर से करेक्शन आएगी, या फिर यहाँ पर अब मान लिया जाए कि 7,000 के ऊपर के भी लेवल्स अब यहाँ से बन सकते हैं? जी देखिए, 6,850 का एक स्तर था जो हम काफी समय से चर्चा कर रहे थे, वो अभी हासिल हुआ है और कहीं ना कहीं बाजार उसके आसपास या 6,800 में समझता हूँ कि होल्ड कर पा रहा है। जो नेक्स्ट जो लेवल है वो 7,050 से 7,100 का होगा। तो ये लाइकली है कि जो भी डिप आ रही है उसका फायदा उठाया जाए बाइंग करने के लिए 7,050 से 7,100 का लक्ष्य लेकर। और अगर उससे भी लंबी अवधि की हम चर्चा करें, यानी 1 से 1.5 महीने यहाँ पर भी देखें, तो मुझे लगता है कि 7,300 के स्तर देखने मिलेंगे। तो जो भी डिप हो इंट्राडे में वहां पर बाइंग की पोजिशन बनाई जा सकती है। जी,